अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज YouTube चैनल पर हमारी क्लास का ये मज़मून उर्दू सफ़र नंबर 29 की मश्क आज हम सीखेंगे। हमको खेल खेल में अल्फाज बनाना सीखना है। क्या सीखना है? ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हरूफ लिए गए हैं, तीर के निशान दिख रहे हैं आपको, नजर आ रहा है आपको। खेल खेल में सीखना है अल्फाज बनाना, हरूफ से क्या बनाना, अल्फाज बनाना सीखेंगे, हरूफ से अल्फाज बनाना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हरूफ दिए हुए हैं, फर्ज कर लो ये एक नंबर, इसको दो नंबर, ये तीन और ये चार, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। अब यहां से शुरू करेंगे नून से। नून है, तीर का निशान देखिए किस तरफ जा रहा है। न है, न का तीर का निशान जा रहा है वह की तरफ, कहां जा रहा है वह की तरफ। उसके बाद क्या है इसमें, च है। तीन अलग अलग हरफों को हमको मिलाकर लफ्ज बनाना है। क्या बनाना है? लफ्ज बनाना है। पहला हरफ है न, तो क्या लिखेंगे, आधा न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधा न लिखेंगे। उसके बाद बीच का जो हरफ है वो है वो, और आखिरी जो हरफ है हमारे पास तीसरा वो है च। यहां पर हम उस पर लगाएंगे उल्टा पेश। क्या लगाएंगे? उल्टा पेश, न व च पेश नोच, न व च पेश नोच। क्या बना? नोच, सीधा पेटा है नोच, न व च पेश नोच। माफ करना, उल्टा पेश नहीं, उल्टा पेश का आगे की मशक सीखेंगे। यहां है पहला हर्फ न, दूसरा हर्फ व, तीसरा हर्फ च, न व च, तीन हर्फ मिलाकर एक लफ्ज बनाया हमने, ठीक है। क्या बन गया? नोच। देखिए यहां पर हम इस तरीके से बनाएंगे, पहला हर्फ लेंगे न, दूसरा हर्फ है व, तीसरा हर्फ है च। अब तीनों को मिलाएंगे, न में वो मिलाएंगे और च अलग लिखेंगे हम, न व च पेश नोच। अब उसके बाद दूसरा, दूसरा हर्फ नजर आया आपको, दूसरा हर्फ है र, उसमें मिलाना है व, और तीसरा हर्फ है ड, र व ड, र में व और ड अलग अलग लिखे रहेंगे यहां पर तीनों व्यर्थ, र व ड पेश रोड। क्या बन गया? रोड। नोच, पहला हर्फ बना था नोच, दूसरा हर्फ बन गया रोड। अब उसके बाद तीसरा, तीसरा यहां लिए हमें, तीसरा है ज, उसमें मिलाएंगे बीच का हर्फ व, ज व, और तीसरा हर्फ है र, ज व र पेश लगाएंगे, इस पर लगाएंगे पेश, ज व र पेश जोर। क्या बना लफ्ज? जोर। पहला हर्फ बना न व च मिलाकर नोच, दूसरा हर्फ दूसरे दूसरा लफ्ज बना र व ड मिलाकर रोड, तीसरा लफ्ज बना ज व र मिलाकर जोर। अब है चौथा लफ्ज, चौथा लफ्ज बना है, चौथा है र, र में व मिलाएंगे और ज, इस तरीके से उल्टा कर लिया इसको, उल्टा कर लिया हमने इस तरीके से, र व ज पेश रोज। क्या बन गया? रोज। इसको उल्टा कर दिया हमने, पहले ज लिए थे, फिर बीच में व लिए थे, आखिर में र लिए थे, और यहां उल्टा बनाया हमने, पहले र लिए फिर व लिए फिर ज लिए। क्या बन गया? रोज। क्या बन गया? रोज, ठीक है। इस तरीके से यह बात बन गई। अब आइए सफा नंबर 30 की तरफ, सफा नंबर 30 की तरफ। यहां पर भी ऐसे ही करना है, देखो और सीखो, सीखकर आपको साथ साथ क्या करना है, इसको पढ़ा।
दो हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना। पहला हर्फ है त, दूसरा हर्फ है व। त व यहां पर है उल्टा पेश, यहां से क्योंकि हम उल्टा पेश लगा रहे हैं, ठीक है। त में व मिलाएंगे, त व पेश तू, क्या बन गया तू। अगर सीधा पेश रहता था तो क्या बनता था, तो, लेकिन यहां पर क्या है उल्टा पेश। त में व मिला हुआ है, त व पेश तू, क्या बन गया तू। इसी तरीके से यहां देखिए पहला हर्फ क्या है ब, ब में क्या मिला हुआ है व, ब व पेश बू बन गया, क्या बन गया, यहां बना था तू, यहां बन गया बू। पहला हर्फ ब, दूसरा व, ब में व मिला है बन गया बू। इसी तरीके से अगला हर्फ प, प में उसके बाद का हर्फ है व, प व पेश पू, प व पेश क्या बन गया पू, जैसे बना तू, जैसे बना बू, फिर बना पू। उसके बाद है ज, ज में व मिला हुआ है और पेर का पेश लगा हुआ है, ज व पेश जू। अगर सीधा पेश करता तो क्या पढ़ते हैं इसको, ज व पेश जो, लेकिन यहां पर उल्टा पेश लगा है, क्या पढ़ेंगे जू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जू पढ़ेंगे। उसके बाद है ख, ख में मिला हुआ है व, ख व पेश खू। आपको किस तरीके से बनाना है, जैसे त व पेश तू बनाए ऐसे आपको इसको ऐसा बनाना है, व में व मिलाएंगे बू, उसके बाद प में व मिलाएंगे बन गया पू, उसके बाद ज में व मिलाएंगे बन गया जू, आखिर आप बनाएंगे ख में व मिलाकर खू। देखो और पढ़ो, देखो और पढ़ो, उसी के नीचे की मशक है ये। अलग अलग हर्फ दिए मिलकर एक लफ्ज बना हुआ है, वो लफ्ज को हमको पढ़ना है। ज है व है म है, ज व न, ज व न पेश, ज व न उल्टा पेश जून, ज व ज जू, और उसमें नून मिलाएंगे जून, क्या पढ़ेंगे जून। ये क्या है, न है व है न है नून, क्या पढ़ेंगे इसको नून पढ़ेंगे। ज व पेश जू, तो अ जबर ता, क्या पढ़ेंगे जू ता, क्या पढ़ेंगे जू ता, मेरे साथ पढ़िए ज व पेश जू, तो अ जबर ता, क्या हो गया जूता, वेरी गुड। ब अ जबर बा, प व पेश टू, क्या बन गया बा टू। दो और यहाँ पर चार हर्फ दिए, कितने हर्फ दिए, ब में अ मिला हुआ है और प में ऊ मिला हुआ है, बा टू, क्या बन गया ब अ जबर बा, प व पेश टू बापू। र अ जबर रा, र अ जबर रा, ज व पेश जू, क्या बन गया रा जू। दोहराइए मेरे साथ, र अ जबर रा, ज अ पेश जू, क्या हुआ राजू। इसके बाद ब अ जबर बा, ब अ पेश बू, ब अ जबर बा, ब व पेश बू बाबू, क्या बना बाबू। च व पेश चू, न अ जबर ना, क्या बन गया चूना। च व पेश चू, न अ जबर ना चूना। अब देखिए तीन हर्फ है अलग अलग, उसको मिलाकर एक लफ्ज बना हुआ है, न है व है र है, न व र पेश नूर, क्या बनेंगे नूर। उल्टा पेश खींचना पड़ता है उसको, ठीक है, न व र पेश नूर, ठीक है। मेरे साथ दोहराइए, क्या ये जून, नून, जूता, बापू, राजू, बाबू, चूना, नूर, ठीक है। अब इसी तरीके से आखिरी मशक दी हुई है हमारे पास, खेल खेल में सीखो। जिस तरीके से हमने पहली मशक को हल करे उसी तरीके से आपको खुद करना है, ये मशक आपको खुद करना है और अपनी व्यास में लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।